हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ, और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी आप देख सकते हो मैं आपको घर की हालत दिखा रही हूँ कि घर की हालत कैसी हो चुकी है। क्या बताऊँ ना, ये चीज़ है ना, जैसे कि अभी हम व्लॉगिंग करते हैं उसमें ना छोटी छोटी क्लिप बना लेते हैं, तो ये बहुत कभी आगे चल कर ना जब इन चीज़ों को देखते हैं तो अच्छा लगता है कि उस दिन हमारा घर ऐसा था, उस दिन ही हमारे घर पर ये काम हो रहा था। तो ये चीज़ें ना देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना मैं ले लूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ब्लॉगिंग में ले लूँ। और अभी आपको मैं दिखा रही हूँ कि अभी ना वॉशरूम के जो सामने का एरिया है कुछ इस तरह का है रूम, ये अनुष्का वाला रूम है, ये ऐसा है। किचन में तो अभी सामान नहीं हटाया था क्योंकि किचन में ना अभी खाना वगैरह बनाते हैं, बाकी का जो पूरा घर है वो खाली हमने कर लिया है। क्योंकि किचन का सामान ऐसा तो है नहीं कि हम बाहर छत पर ले जाकर रख दें, क्योंकि किचन का सामान ऐसा होता है किचन के ना सामान को हम इस तरह से नहीं डाल सकते हैं। तो ये हमने यहीं पे अभी सेट किया हुआ है। जब ये इनका रूम बरामदे इनका काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम किचन को खाली कर देंगे, क्योंकि किचन का सामान रखने की जगह तो हो कहीं पर, जब तभी तो हम रखेंगे। तो इसी वजह से हमने इसको छोड़ दिया है। और क्या बताऊँ कि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, इतनी ज़्यादा आती है क्योंकि पहली बार पेंट हो रहा है घर पर जब से ये बना है। तो पहली बार में तो बहुत ज़्यादा वो होता है, पुताई करते हैं, पेंट करते हैं, जो भी करते हैं तो कई कई बार करनी पड़ती है, तो उसी वजह से ना बहुत ज़्यादा वो हो रही है। अभी जैसे कि मैं बर्तन साफ़ कर दूँ है ना, और अभी मैं देखूँ 2 मिनट बाद पूरी धूल मिट्टी उस पर जमी रहती है। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है ना ही घर में रहने का, ना ही घर में ना इधर उधर चलने का। चलते हैं ना तो पैरों से जो मिट्टी होती है ना वो लगती है, बहुत अजीब लगती है। क्या कर सकते हैं, पर रहना तो है ना। और अभी यहाँ पर ना मैं वो कर रही हूँ, किचन में ही काम कर रही हूँ, किचन वाले काम ही यहाँ पर चल रहे हैं। किचन में आ गई हूँ, अभी आपसे बातें करने लगी हूँ तो मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, पता नहीं क्यों आती है। मैंने आपसे पहले भी बहुत बार बताया है कि मैं जब भी इस तरह से बातें करती हूँ मुझे नींद आने लगती है। तो इस काम को भी नहीं छोड़ सकती हूँ, ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रात भी काफ़ी हो रही है जब मैं आपसे बातें कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दिन में टाइम नहीं लग पाया, टाइम लगता ही नहीं है। अगर टाइम लगेगा भी ना पहले तो मुझे लगता ही नहीं है टाइम, काम इतना ज़्यादा चल रहा है घर में। आप समझ सकते हो जब इस तरह का काम हो घर में तो टाइम नहीं मिलता है। अगर मैं टाइम निकाल भी लूँ कोशिश करके किसी तरह से तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि काम चलता रहता है घर में, सभी भैया वगैरह रहते हैं, बोलते रहते हैं, बातें करते हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर नहीं हो पाता है। तो नहीं कर पाती हूँ मैं एडिटिंग, मैं रात को ही करती हूँ। सुबह मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि सुबह मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, अनुष्का को स्कूल जाना, लंच वगैरह बनाना, और अनुष्का के पापा जी को नाश्ता वगैरह देना, पशुओं का काम करना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो सुबह में मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं लगता है। और अभी यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, जो भी बर्तन रखे हुए हैं। वैसे बर्तन साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बर्तन साफ़ करने तो है ही, है ना, चाहे फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन छोड़ भी तो नहीं सकते हैं इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर बर्तन साफ़ कर दिए हैं, और बाकी का जो यहाँ पर और काम है उनको भी ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि ये भी काम जल्दी से ही ख़त्म हो जाए तो सही है, फिर ना पूरे दिन घर में धूल मिट्टी उड़ती है। कोशिश करती हूँ कि भैया के आने से पहले ना काफ़ी ज़्यादा काम हो जाए, कुछ काम बाकी रहे तो उसको मैं बाद में कर लूँ, क्योंकि वो ही है कि ना कब यहाँ से ये चीज़ें ये सामान खाली करना पड़ जाए पता नहीं। बस वो कराएंगे ही खाली, और मैं भी सोच रही हूँ कि ना साथ में ये भी हो जाए तो सही है, फिर इसे पीछे के लिए क्या छोड़ना। तो अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं फिर से किचन में, और किचन की साफ़ सफ़ाई चल रही है, गैस को साफ़ किया है, गैस के चूल्हे को साफ़ कर दिया है, स्लीपर कपड़ा लगा दूंगी है ना। तो इस तरह से मैं इस काम को
ख़त्म कर लूँगी जो कि अभी सुबह वाला काम है। और मैं नहा करके आ गई हूँ अभी ना। मैंने हेयर वॉश किया था तो बाल मेरे गीले हैं, लेकिन मैंने बालों को ऐसे ही क्लेचर लगा लिया है क्योंकि इस टाइम पर बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं अभी जाऊँ और बाल कंघी करने लगूँ और चोटी वगैरह कर लूँ। तो इस टाइम पर ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो इसीलिए मैंने इनको ना इस तरह से क्लेचर लगा लिया है इनमें। जब भी मुझे टाइम होगा, मेरे पास टाइम होगा, तो मैं फटाफट से चोटी कर लूँगी, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता। इसीलिए मैंने लगा लिया है कि पता नहीं कितने टाइम तक टाइम ना लग पाए और फिर कहीं ऐसे ही ना रह जाए। और ऐसा अभी फ़िलहाल मेरे साथ हो रहा है क्योंकि घर पर काम चल रहा है। तो बाल वगैरह कंघी वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि डेली की डेली कर लूँ, लेकिन होता है कभी कभी रह जाती हैं चीज़ें। और अभी तो ना आज मैंने जैसे कि हेयर वॉश किया है तो मेरे बाल कंघी हो ही नहीं पाए थे बिल्कुल भी, क्यों मैं भी व्यस्त हो जाती हूँ, कामों में नहीं हो पाया। मुझे रहता है कि चलो मैं बाद में कर लूँगी, पहले ये काम कर लेती हूँ, पहले वो काम कर लेती हूँ। इसी तरह से टाइम चला जाता है और बाल कंघी नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर मैं अनुष्का के पापा जी को दे रही थी क्योंकि वो जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो उनको जल वगैरह देना ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं यहाँ पर फिर रखने लगी हूँ दूध गर्म करने के लिए, साथ में थोड़ी बहुत चाय भी रख दूँगी अगर मन होगा तो। अनुष्का के पापा जी से पूछूँगी क्योंकि वो भी अभी जा रहे हैं मार्केट सामान लेने के लिए। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ इस रूम में, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू भी मैं किधर से लगाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना ज़्यादा सामान फैला हुआ है कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं काम कहाँ से शुरू करूँ, है ना। तो अभी मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ झाड़ू, और धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है। बिल्कुल मन नहीं होता है नहा करके तो पोछा लगाने का, वो झाड़ू वगैरह लगाने का। पोछा तो अभी क्या लगेगा क्योंकि पोछा लगाने की हालत में ही नहीं है, घर बहुत बुरी हालत हो रखी है। तो झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि एक आधा जगह है तो ऐसी हो जहाँ पर हम बैठ कर खाना वगैरह खा लें, लेकिन फ़िलहाल तो वो ऐसी भी नहीं थी। क्योंकि हो जाता है इस तरह से जब घर में काम चलता है तो चीज़ें फैल जाती हैं। अनुष्का भी आ गई है और जो भैया पेंट वगैरह करेंगे वो भी आ गए हैं, तो वो तो अपना सामान खुद रख के जाते हैं और खुद ही ले लेते हैं। लेकिन इस तरह से जैसे कि ये जाजम है, पल्ली है, जो भी है उसको बिछा देते हैं तो हमारे लिए आगे के लिए आसानी रहती है, क्योंकि हमें कल के बारे में भी सोचना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी और अनुष्का आई थी ऐसे ही बातें करते हुए, और भैया भी आ गए हैं जो कि वो भी अपना काम शुरू कर देंगे। मैं अपने काम पर लगी हुई हूँ, अनुष्का अपने पर, सभी अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। अनुष्का के पापा जी खेत पर गए हुए हैं, तो इधर से आराम आराम से धूल मिट्टी को निकाल लूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उड़ रही है अभी फ़िलहाल, और सभी कपड़े वगैरह उन पर बैठ जाती है और वो दिखती भी है। ऐसा नहीं है कि वो बैठ गई है तो दिखेगी नहीं, अच्छे से दिखती है। तो अभी यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा ली है और झाड़ू लगाने के बाद सीधा मैं आ गई हूँ इधर। अनुष्का के पापा जी लेकर के आए थे गर्मा गर्म जलेबियाँ और समोसे बिना कहे, हमने आज नहीं बोला था तो खुद ही ले आए। और अभी यहाँ पर मैं और अनुष्का खाने लगे हैं समोसे, क्योंकि उधर वही है काम चल रहा है, भैया घूम रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं अपना अपना, तो मैं और अनुष्का इधर लेकर के आ गए हैं। तो मैं और अनुष्का इधर लेकर के आ गए हैं समोसे को और यहाँ पर बैठ गए हैं। धूप भी आ रही है लेकिन बैठे कहाँ है तो यहीं पर आ गई हूँ मैं, यहीं पर आराम से बैठ करके खाएंगे दोनों साथ में। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए और फिर बताइए कैसा लगा आप सभी को। तो अनुष्का सेब खा रही थी यहाँ पर, उसको सेब ना बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो सेब भी खा रही थी। मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा समोसे भी खा लो, तो बोला ठीक है आप खा लो, मैं खा लूँगी। मैंने कहा नहीं खा लो, क्योंकि होता है ना साथ में कोई हमारे साथ खाने वाला हो, चाय पीने वाला हो, तो हमें ना अच्छा लगता है। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि ना हम इधर दीवार की साइड में बैठे हैं पर फिर भी ना धूप आ रही है, धूप बहुत ही तेज़ निकल रही है।
पर चलो कोई नहीं। तो अभी यहाँ पर बैठे हैं, खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मैं नहा भी ली हूँ, है ना। इस तरह से मैंने काम भी कर लिया है। और आज क्या है मुझे दिन का तो याद नहीं है, आज कौन सा दिन है, पर चलो कोई नहीं, जो भी हो। तो अभी खाने के बाद ये मैं सीधा मिल रही हूँ आपको, शाम में मिल रही हूँ। और दिन छिपने वाला है, दोनों टाइम मिलने वाले हैं, वो वाला टाइम हो रहा है। तो हमारी गुड़िया रानी ना यहाँ पर देखिए क्या कर रही है, वो भी अपना काम कर रही है। और उधर ना हमने इन्वेटर और बैटरी के लिए बनवाया है, उधर एक अलमारी बनवाई है जिससे कि बरसात हो तो पानी वगैरह ना आए और ये आराम से रखे रहें। क्योंकि जब ये नहीं था तो इससे पहले जैसे ही बरसात आती थी तो हमें ना सबसे ज़्यादा टेंशन उसी की होती थी, इन्वेटर और बैटरी की। तो अब ना अब की बार ये टेंशन भी ख़त्म हो गई है जो हमारे साथ चलती थी। तो ये आराम से इसमें रख रहेंगे, और हमने हमने देखा था कि ये इसमें आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये आराम से आ रही है इसमें। तो यहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत कमी थी उसको मैं पूरा कर रही हूँ, पूरे घर में मैं घूम रही हूँ, देख रही हूँ, और इन चीज़ों को मैं जो मुझे लग रहा है कि नहीं यहाँ पर ये इस तरह से होना था उसे मैं साथ के साथ कर रही हूँ। और हमारी गुड़िया रानी भी लगी हुई है, दोनों कर रहे हैं आपस में मिल कर के काम को। और अभी लाइट वगैरह नहीं चलाई है क्योंकि अंधेरा अंधेरा सा होने लगा है, और वीडियो में तो बहुत जल्दी से आने लगता है, वैसे हो भी रहा है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो इस काम को भी ना ख़त्म कर लेते हैं, जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई हैं उनको निपटा लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास पेंट भी है, सामान भी है, सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो फिर देर क्यों करना। तो देख रहे थे, अनुष्का मुझे दिखा रही थी, मम्मा देखो यहाँ पर मैंने ऐसा कर दिया है, मम्मा देखो वहाँ पर मैंने ऐसा कर दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छा कर दिया है, आप करते रहो। तो वो वाली चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, जो बहुत छोटी छोटी हैं जो हमें दिखाई दी हैं उनको हम यहाँ पर अभी कर रहे हैं। तो उधर से मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, क्योंकि यहाँ पर जो गेट है उसके ऊपर वाली किनारी जो होती है उसको देख रही थी, उस पर लगाऊंगी मैं इसमें से पेंट को। और अभी यहाँ पर मैं इस कुर्सी पर खड़ी हो जाऊंगी और फिर मैं यहाँ पर देख करके आराम से अच्छे से करूंगी। तो अभी मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी और मैं अनुष्का से बोल रही थी कि मुझे एक कपड़ा दे दो और गीला करके दे दो या फिर पानी दे दो। तो वो अभी आएगी, क्योंकि यहाँ पर ना इस पर छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद निशान भी हो गए हैं गेट पर, तो वो छुटाने हैं। तो इसीलिए भी मैं देख रही थी, अच्छे से ध्यान में ले रही थी कि ये ना फिर कभी बाद में फिर ना छूट जाए, क्योंकि अभी तो ना काम वगैरह चल रहा है घर पर। जब काम बंद हो जाता है और जब ये छोटी छोटी चीज़ें दिखती हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती हैं। और हमने ना पूरे घर पर वाइट वाइट कलर का ही वो कराया है, क्योंकि मुझे ना वाइट पसंद है, बाकी का कलर ठीक है लेकिन मुझे ये इस तरह से ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ऐसे ही रखा है। अभी यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें मैं कर रही थी वो हो गई हैं, तो मैं गुड़िया रानी से बोल रही थी कि ब्रश पकड़ लो और फिर मुझे नीचे आना है। तो अभी वो दिखा रही थी कि मम्मा देखना मैं पीछे से कलर में तो नहीं हो गई हूँ, क्योंकि लग गया होगा उसको कलर गेट वगैरह से। मन कर नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो अभी उसको बताया, और अभी यहाँ का मेरा हो गया है काम ख़त्म, तो मैं नीचे उतरूँगी कुर्सी से, कि डर लगता है कुर्सी पर भी। तो इसीलिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ मंगा रही थी अनुष्का से, उसने मुझे दे दी है और मैं फिर करने लगी हूँ काम द्वारा से। यहाँ पर पानी की बोतल रखी हुई है जो कि उन भैया की रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं घर में, और जब इस तरह से घर में काम चलता है ना तो बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है, ना बैठने की ना लेटने की। तो बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रही हूँ मैं इस टाइम पर, बहुत ही ज़्यादा। अभी यहाँ पर जो मुझे इधर दिखाई दिया उस पर भी मैंने पेंट मार दिया है, और अभी हो रहा है रात का टाइम, काफ़ी रात हो रही है, मैं क्या ही बताऊँ, लगभग 12:30 हो रहे होंगे जब मैं और अनुष्का यहाँ पर बैठे हुए हैं। वैसे अनुष्का ना जल्दी सो जाती है लेकिन आज वो मेरी वजह से नहीं सो पाई है। तो अभी पहले हम मैगी खाएंगे, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई थी, तो फिर मैगी ही बना ली है, मैगी खा रहे हैं।
और बातें कर रहे हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होती हैं, वो बातें यहाँ पर चल रही हैं। तो चलो कोई नहीं, वैसे ना इस टाइम पर भूख तो थी लेकिन मन नहीं था खाने का, पर ये था कि अब बनाया है तो खाना तो है ही। और अभी खा रहे हैं, आप सब भी आइए। और इस वीडियो का ना मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।